हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मौन कला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डेकोपेज से रिलेटेड। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि मिनट मिनट पे इस वीडियो में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपको डेकोपेज से रिलेटेड चीज़ें किस तरीके से हम घर में बनाएं उसको सिखाऊंगी, जैसे कि चॉक पेंट, मॉड पॉज, डेकोपेज पेपर कैसे होते हैं, नैपकिन को कैसे यूज़ करते हैं, जैसो क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। इनको आप खुद घर पर कैसे बनाएंगे वो टेक्निक, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है मौन कला क्रिएटिविटी सेंटर में। जैसा कि आज मैंने कल प्रॉमिस किया था, आप लोग को डेकोपेज का एक आर्टिकल छोटा सा बना के दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत समय से डेकोपेज के बारे में जानना चाह रहे थे, तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल तैयार करेंगे फटाफट, है ना। कैसे नैपकिन पेस्ट करेंगे, कैसे पेपर पेस्ट करेंगे, उसके बारे में फिर से आप लोग को एक नॉलेज देने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये वाला मेरा कौन सा कलर है, टील ब्लू। ये टील ब्लू एक्रेडिक कलर लिया। इसको मैं आप लोगों को चॉक पेंट भी बनाना बता चुकी हूँ। अगर हम चॉक पेंट यूज़ करते हैं तो मैंने अपने एक्रेलिक कलर में क्या मिलाया, थोड़ा सा पाउडर। ये देखिए, ये मैंने एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा अपना चॉक पेंट चॉक पाउडर मिला दिया और ये मेरा चॉक पेंट बन गया। तो चॉक पेंट बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों के संग बहुत बार शेयर किया हुआ है चॉक पेंट बनाने का टेक्निक लाइव सेशन में भी, और हर बार जैसो चॉक पेंट ये सारी चीज़ें बना बना के दिखाई हैं जब भी मिलती इसी के। ये मेरा एक्रेलिक कलर का ही बॉक्स है, सनफ्लावर किट है हमारी एक्रेलिक की। तब तक मैं ये बेस पर देखिए, ये जो प्लास्टिक का बेस है इस पर बिना जैसो किए हुए इस तरीके से अपना चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ, और स्पॉन्ज की सहायता से कर रही हूँ। हाथ यूजफुल, सबके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल है ये डेकोपेज का। डेकोपेज आर्ट आजकल बहुत फेमस है, आजकल नहीं काफ़ी समय से बहुत फेमस है, और सभी लोग इसको करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी आराम से कर सकते हैं घर। देखिए, ये मैंने अपने पेंट में, मेरा पेंट बिल्कुल परफेक्ट देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है, है ना। मैंने कोई जैसो की कोटिंग नहीं की। अगर हम डायरेक्ट एक्रेलिक कलर करेंगे बिना चॉक पेंट के, चॉक पेंट नहीं करना चाहेंगे, तो हमें गैसो किसी भी सरफेस पे करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारा चॉक पेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, या हमने जैसे अभी अभी हाल में खुद बनाया जस्ट, तो आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये पील ऑफ नहीं होगा। सारे साइड से कर दे रही हूँ। इस पर मैंने पहले ही ये नीलोफर वाडिया का एक पेंटिंग है उसका डेकोपेज पेपर पेस्ट किया हुआ है। ये नैपकिन नहीं है, डेकोपेज पेपर पेस्ट किया है। मैंने एक्रेलिक कलर में चॉक पाउडर पेस्ट मिक्स कर दिया। एक्रेलिक कलर में आपके पास अगर चॉक पाउडर नहीं हो तो आप टैल्कम पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। आप इवन थोड़ा सा अभी हल्के लिए बनाने के लिए कर रहे हैं तो आपके पास अगर कुछ और नहीं है, पीओपी है, तो आप पीओपी भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन पीओपी वाले को आप स्टोर मत करा करिए, वो स्टोर करने पर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना फटाफट क्विक एंड ईजी टेक्निक से एक सेकेंड के अंदर चॉक पेंट बना सकते हैं और अपना डेकोपेज के आर्टिकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं कर रही हूँ प्लास्टिक पे भी। ये प्लास्टिक का हमारा सनफ्लावर किट है फैबिपिडिलाइट की, जो है एक्रेलिक कलर्स की, उसके ऊपर कर रही हूँ मैं। आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने चॉक पेंट बनाया, ये आपका एक कोट में ही परफेक्ट आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कलर में थोड़ा सा चॉक पाउडर मिला दिया है। आपके पास चॉक पाउडर नहीं हो, आप टेलकम पाउडर मिला सकते हैं, आप पुट्टी पाउडर मिला सकते हैं, आप वाइटनिंग पाउडर मिला सकते हैं, आप पीओपी भी मिला सकते हैं, ठीक है, कोई भी मिला सकते हैं पाउडर, और स्टोर करके मत रखिएगा अगर आप पीओपी मिला रहे हैं तो, ठीक। तो आपको एक कोट में अपना कलर अच्छा लगता है तो आप एक कोट करिए, वरना देखिए मेरा एक कोट में ही परफेक्ट है, जैसी फिनिश मुझे चाहिए वैसी है। लेकिन फिर भी सेकंड कोट कर देने पे क्या होता है, हमारा एकदम हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं अपने काम से, है ना। अभी मैं आपको एमडीएफ के बेस पे भी करके दिखाऊंगी फटाफट। मैं एक एमडीएफ का कोस्टर भी लेके बैठी हूँ, ये देखिए, तो इस पर भी मैं यही कलर कर देती हूँ, ठीक है। आप इस तरीके के एमडीएफ के कोस्टर पर भी कर सकते हैं, ये प्लेन है। तो हम अगर चॉक पेंट लगा रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसके ऊपर पहले जैसो की कोटिंग करें फिर करें। लेकिन अगर हम एक्रेलिक कलर लगा रहे हैं, डायरेक्ट अगर हम ये एक्रेलिक कलर्स करेंगे तो हमें इस पे चॉक पेंट
उसको सॉरी जैसो की कोटिंग करने की जरूरत होती है, अदरवाइज 2 या 3 कोट करने पड़ते हैं एक्रेलिक। मेरा कितना अच्छा आ रहा है, मुझे यहाँ पर कोई भी जो है जैसो अप्लाई मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर आप जैसो अप्लाई करना चाहते हैं आप जैसो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरा ये जो कलर है ये ऐसा कलर है, अगर हम मान लो ब्लैक बहुत लाइट वैसा कलर करें जिसमें हमारा ये जो इसका MDF का वुडन सरफेस का जो कलर है वो अच्छे से उस पर नहीं आए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के 2 कोट भी कर देंगे चॉक पेंट के, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। इसी से ही आपका जैसो का खर्चा बच जाएगा। और वैसे जैसो भी मैंने बनाना बताया, जैसो भी आप लोगों को बनाना बताया हुआ है, जैसो में कुछ नहीं है, आपको फेविकॉल लेना है, पाउडर लेना है और एक्रेलिक कलर लेना है, वाइट या ब्लैक। ब्लैक जैसो आते हैं और वाइट जैसो आते हैं, ये देखिए हो गया परफेक्ट। मैंने आपको एक दिन येलो चॉक पेंट बना के दिखाया था अपने पेंसिल बॉक्स पे, जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं मेटल के, उस पर हल्के हल करके दिखाया था लाइव सेशन में, तो वो ये भी है ना। अब इसके बाकी साइड पर अगर आप दूसरे कलर का पेंट करना चाहते हैं तो दूसरे कलर का चॉक पेंट बनाकर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के प्रिंट आउट हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्रिंट नहीं है, ये लेजर प्रिंट्स हैं। तो इस तरीके के प्रिंट से भी आप लोग अपना डेकोपेज का काम कर सकते हैं। वैसे टिश्यू पेपर आते हैं, डेकोपेज टिश्यू कहलाते हैं, इनसे काम किया जाता है ना। या फिर डेकोपेज पेपर आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत बार मैंने लिंक भी शेयर की हुई है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के डेकोपेज पेपर आते हैं, ये भी मैंने एक दिन दिखाए थे आप लोगों को। ये भी मेरा डेकोपेज का आर्टिकल है जिसका ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को फ्री दिया था। इसमें भी मैंने इसमें इमर्ड ग्रीन कलर यूज़ किया था, मैंने यहाँ पर टील ब्लू नहीं किया था। ये टील ब्लू है और ये इमर्ड ग्रीन है। हेलो, तो ये देखिए ये भी है डेकोपेज का ही आर्टिकल, ये भी है डेकोपेज का ही आर्टिकल हमारा। इस पर वॉर्निश भी हो रखी है, तो कितना शाइन मार रहा है। स्टेंसलिंग वर्क भी है। इसके अलावा मैंने कल बॉक्स दिखाया था, ये भी हमारा डेकोपेज का है विद क्रैकल इफेक्ट। इसमें देखिए क्रैकल इफेक्ट दिए हुए हैं। ये भी बॉटल है, देखिए मनी प्लांट लगाया हुआ है जिसमें, ये भी बॉटल है। ये डेकोपेज के टिश्यू से नैपकिन से की हुई है, ठीक है। तो इसका ट्यूटोरियल भी है मेरे यूट्यूब पर भी है। इसके अलावा देखिए ये इस तरीके से भी मैंने डेकोपेज की बॉटल्स बनाई हुई थी। ये देखिए ये डेकोपेज के लेजर प्रिंट से है डेकोपेज की बॉटल्स। ये देखिए आप उसको किसी भी पुरानी बॉटल को इस तरीके से कैसे भी सजा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को दिखाया था इस तरीके की मिठाई के डब्बों पर भी आप ऐसे डेकोपेज का आर्टिकल कर सकते हैं। या मैंने पीछे अभी कुछ नहीं किया है, पीछे भी आप चॉक पेंट जो हमने बनाया वो करके कुछ भी पेपर पेस्ट करके अपने आर्टिकल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये आप चाहे कांच की बॉटल पर करें, चाहे लकड़ी पे करें, चाहे ये मेरा गत्ते पर है, गत्ते का बॉक्स है, दिखाती हूँ। ये देखिए ये गत्ते का डब्बा है, उसके ऊपर किया हुआ है। अलावा डेकोपेज को मैंने बता दिया सब सरफेस पे कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं। एक बॉटल ये भी रखी है सामने, मैं लेके आई थी, दिखाती हूँ आपको। इसका भी मैं लाइव ट्यूटोरियल आप लोगों को दे चुकी हूँ। ये देखिए इस पे मैंने आप लोगों को टेक्सचर पेस्ट जो बनाया के दिखाया था उसी से करके बताया था। और मैंने पेपर है, पेपर का काम हर एक बिगनर कर सकता है, जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं डेकोपेज का काम करने के लिए वो सारे लोग पेपर से पहले स्टार्ट करें, क्योंकि नैपकिन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैं अभी नैपकिन का हैंडल को भी हैंडल करके दिखाऊंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से करना होगा, तो हम ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये किया है तो मुझे सरफेसेस का भी ध्यान रखना होगा। अब इसके ऊपर मैं ये करूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे इसके लिए इस वाले के लिए मुझे ब्लैक सरफेस करना पड़ेगा, तभी मेरा होगा। आप इस वाले नैपकिन को करने से पहले ब्लैक जैसो का कर सकते हैं अप्लाई, या फिर अगर ब्लैक जैसो नहीं करना चाहते तो आप ब्लैक कलर का चॉक पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का चॉक पेंट इस पोस्टर पर बनाकर दिखा रही हूँ, पोस्टर पर लगाकर दिखा रही हूँ, और उससे पहले बनाना भी बताऊंगी, ठीक है। तो एक बार फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर, मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है। फेविक्रिल के कलर हैं, आप कैमिल के किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, मेरे पास फेविक्रिल का स्टॉक रहता है। मैं वैसे भी फेविक्रिल के पेटलाइट की एक्सपर्ट टीचर हूँ, तो इसलिए मेरे पास रहता है स्टॉक, तो मुझे इस इन कलर्स को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी के भी सबके पास ही होंगे, आज की डेट में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास ये कलर्स ना हो, है ना। अब ये देखिए ये मैंने चॉक पाउडर ले लिया, आपके पास चॉक पाउडर नहीं है ये मैंने इस कलर में डाल दिया, ये देखिए। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे ये देखिए ब्लैक एक्रेलिक कलर और चॉक पाउडर, इसको बस मिक्स करना है, हमारा चॉक पेंट बन गया। कुछ भी नहीं करना, आपके पास अगर चॉक पाउडर नहीं है तो आप एक्रेलिक टेलकम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर अगर हम इसी में फेविकॉल और मिला देंगे तो ये हमारा जैसो बन जाएगा,
जैसो एक वो हम किसी भी सरफेस के ऊपर वो बेस करते हैं। मान लो हमारी ये बॉटल है, हमें इसके ऊपर कुछ काम करना है, इस पे ये पेपर चिपका हुआ है, वो हमसे नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें जैसो कर देंगे तो हमारा ये जो प्रिंट जितना भी है वो छुप जाएगा। डब्बा है, अब इस पे प्रिंट है वो नहीं है, पेपर नहीं चिपका हुआ, तो अगर हम इस वाले पे कुछ भी काम करना चाहेंगे तो बेस पर करेंगे। बिल्कुल सोनिया सही बोला आपने, तो हम बेस पर जो भी एक प्राइमर के तौर पर जो भी चीज अप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये किया हुआ प्रिंट जो है मिट जाए या दिखे नहीं, हमें इनविजिबल हो जाए, तो हम उसके लिए जैसो की कोटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक्रेलिक कलर भी करेंगे तो भी हमारा आराम से चलेगा, और अगर हम एक्रेलिक कलर नहीं कर रहे, हम चॉक पेंट करेंगे तो हम डायरेक्ट चॉक पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे मैं कहूंगी कि पहले आप जैसो की कोटिंग करिए, देन आप उसके बाद कोई भी पेंट अप्लाई करिए। चॉक पेंट सबसे बेस्ट रहते हैं, लेकिन हम अपने चॉक पेंट बना किससे रहे, अपने एक्रेलिक कलर से। एक्रेलिक कलर, और ये देखिए ये कितना एक ही कोट में आपका बिल्कुल परफेक्ट फिनिश के संग हमारा कलर। मेरे जो एक क्लास है इसकी डेको पेज की, उसमें पूरा मटेरियल मेकिंग की भी क्लास है जिसमें मैंने चॉक पेंट और ये सब बनाना बताया, लेकिन अब उस क्लास का इतना मतलब नहीं है, उस क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लाइव फ्री सेशंस में आप लोगों को वो सारी चीजें कराती रहती हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं अपने चॉक पेंट जैसो इन सब के फ्री ट्यूटोरियल्स, ठीक है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो लोग जुड़े हैं वो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, ये मेरे यूट्यूब चैनल को भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी मैं लाइव आऊँ तो मेरे ट्यूटोरियल्स फ्री के मिल जाएं और आप लोग उनका फायदा उठाकर घर बैठे इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर। स्पेशली मैंने टेक्सचर दिया है इसमें, और अब मैं इसके ऊपर आपको नैपकिन यूज करके दिखाऊंगी, क्योंकि पेपर तो पेस्ट करना बहुत आसान है, पेपर तो सारे लोग पेस्ट कर सकते हैं आराम से। हम लोग बचपन में भी कुछ ना कुछ अपने बॉक्सेस पे, किसी गत्ते का डब्बे पे, किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ चिपकाते थे ना, तो वही है उस। लेकिन टेक्निक आपको आनी चाहिए कि उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए, बहुत आराम से उसको करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको नैपकिन को यूज करना बता देती हूँ। ये मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये देखिए पीछे से ऐसा है। एक पे मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया था, जो नैपकिन है ये 2 प्लाई 3 प्लाई की अलग अलग आती है। अगर मैं इसके प्लाई निकालूंगी तो ये देखिए, ये एक आपको नैपकिन देखिए, आप लोगों के पास भी घरों में भी हो सकती है। देखिए प्रिंटेड नैपकिन चाहिए आपको इस तरीके की, ये निकाल दिया अभी एक। ओके, ये 2 प्लाई वाली है, 3 प्लाई वाली नहीं है, 2 प्लाई और 3 प्लाई दोनों की आती है। क्या करें, अब देखिए ये है हमारा मॉड पॉज। अब आपको इसके बाद जब हमने ये कर लिया और ये कलर का बेस कोट सूख गया, तब हम अब मैंने इस पे पता है आपको ब्लैक क्यों किया, क्योंकि मेरा ये जो टिश्यू पेपर है इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, तो इसके संग जो ये खिल के आएगा वो काम ब्लैक के संग ही आएगा। अगर मैं इसमें व्हाइट चॉक पेंट कर देती तो ये उतना खिल के नहीं आता, जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर मान लो मैं ऐसे करूँ तो इतना खिल के नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं डार्क बैकग्राउंड के संग इसको करूंगी तो ये बहुत अच्छे से खिल के आएगा। ऐसे ही मेरे पास अगर लाइट कलर का वो है हमारा, क्या बोलते हैं, पेपर नैपकिन, तो हम उस पर व्हाइट बेस ही करेंगे, तब वो खिल के आएगा, ठीक। ये अब मेरा मॉड पॉज, अगर आप लोगों के पास ये मॉड पॉज ना भी हो, और भी ब्रांड्स के होते हैं, अगर ना भी हो मॉड पॉज आपके पास, तो आप सिंपल फेविकॉल एमआर में पानी मिलाकर भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी मॉड पॉज है तो मैं मॉड पॉज का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। ये देखिए, तो मैं अपने इस कोस्टर पे, ये देखिए इस तरीके से पहले मैं अप्लाई कर ले रही हूँ इसको, अप्लाई कर रही हूँ, ये सूख के ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, लेकिन मैंने अभी बेस में अप्लाई करी। मैं बहुत इजी टेक्निक से आपको बता रही हूँ, बहुत ही इजी टेक्निक से ये मैंने इस पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये जो मेरा नैपकिन है, देखिए नैपकिन है, इसको मैं, दिख रहा होगा आप लोग को आई होप, ये देखिए इसके ऊपर मैंने सिंपल ऐसे रख दिया, अभी मैंने रख दिया, अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मैंने हल्का सा रखा, ये देखिए मैंने इसको हल्का सा रखा, ठीक है। रखने के बाद मैं क्या कर रही हूँ वो स्टेप इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने सिंपल रख दिया, कुछ नहीं करा। अब मैं एक कार्ड ले लूंगी या कोई ऐसी चीज जिससे मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकूँ। वेट एक मिनट रुकिए, मैं विजिटिंग कार्ड या इसी से कर लेती हूँ, विजिटिंग कार्ड या कोई ऐसी चीज जिससे आप इसे हल्के से, लेकिन अभी आप नैपकिन है तो ऐसे करेंगे तो इसमें रिंकल्स आ जाएंगे। उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन लेनी है, कोई भी ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन ले लीजिए, उसको ऐसे रखिए, उसके बाद अपनी फिंगर से इसे सेंटर से लेकर बाहर की ओर घुमाइए,
मॉडपॉज घर पे बनाने के लिए आपको पूनम जी सिंपल फेविकॉल में पानी मिलाना है 1:1 का रेशियो, यानी कि एक भाग फेविकॉल और एक भाग पानी। ये देखिए, तो मैंने सेंटर में किया है तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं आया। ठीक है, मैं इसको घुमा दे रही हूँ, पूरा कर लो नहीं तो ये हिल जाएगा। और अगर आपको इनकेस लग रहा है कि आप पहली बार कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, आपका ये सही से नहीं हो पाया, तो क्या करें, आप फट से इसे निकाल लीजिए और इसको दूसरा चिपका दिए, तो आप फिर ये मत करिएगा कि आपको ऐसे ही छोड़ देना। नहीं, आपके इसमें रिंकल्स नहीं आने चाहिए, लेकिन आपको जब भी करना है तो आपके पेपर पे, आपको पेपर की जो भी है, ये जितने भी वो है इसके टिश्यू की लेयर्स, उन सबको हटा देनी है। सिंपल एक लेयर की टिश्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ 1 लेयर की टिश्यू रखनी है, मुझे लग रहा है हाँ इस साइड में मेरे में एक और है, देखो। तो ये मैंने ये हटा दिया, ऐसे हटाना होता है, मैं पूरा ही हटा दे रही हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। और जब आपका ये सूख जाएगा मीन्स नीचे का कलर सूख जाएगा, तब आपको करना है। ठीक है, तो आपको हल्के से क्या करना है, ऐसे रखना है, ये देखिए बहुत प्यार से मैं रख रही हूँ हल्के हाथ से। और क्या करना है, ये नैपकिन लेनी है। अभी अगर आप गीले पे करेंगे ना तो आपके इस पे कलर ऊपर टिश्यू पे आ जाएगा, इसलिए जब आपका ये सूख जाए, मैं अभी कर रही हूँ, मेरा देखना ऊपर आ सकता है, मैं बहुत हल्के हाथ से इसको कर रही हूँ पॉलिथिन से, मैं अपने हाथ से नहीं कर रही। आप चाहें तो पॉलिथिन ऐसे फिंगर में पॉलिथिन लगा के कर देंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से करने पे इसमें क्या होता है, रिंकल्स नहीं आते हैं। हम किसी भी चीज को डेकोपेज में अगर पेस्ट करते हैं तो उसमें होना यही चाहिए कि हमें वो पता नहीं लगना चाहिए कि हमने उसे पेस्ट किया है। ये देखिए, अगर मैं इसे उठा के दिखाऊं तो ये देखिए, आपको एक भी रिंकल नहीं दिखेगा इसमें, है ना। अब इसके ऊपर जब ये सूख जाएगा तब मैं मॉडपॉज की एक कोटिंग और करूंगी। ठीक है, और इसको निकालने के लिए किनारे से क्या करेंगे, हम सैंड पेपर से इसको करेंगे, ऐसे ही फाड़ेंगे नहीं, कैंची से काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे सैंड पेपर से इस तरीके से ऐसे ऐसे रिमूव करके हटाएंगे। मैं सैंड है, इसको हमें फाड़ना नहीं है, इसको हमें सैंड पेपर, ये सैंड पेपर है देखिए, इससे सैंड पेपर से ऐसे करके ऐसे टियर करना है। ये देखिए, तो ये सरफेस होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये वाली सरफेस होनी चाहिए, देखिए बहुत परफेक्ट सरफेस आई है। अब मैं इधर वाली निकाल दे रही हूँ, सब साइड की ऐसे ही करनी है। अब इसके बाद मैं आपको पेपर को करके दिखाऊंगी। ये तो हो गया टिश्यू पेपर, जो सबसे कठिन था मैंने बताया। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट हाथ से नहीं करना, नहीं आपके फिंगर के ऊपर ही चिपक के आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसे पॉलिथिन की सहायता से, चाहे आप पॉलिथिन अपने फिंगर में पहन लीजिए, कोई भी पॉलिथिन नॉर्मल ले सकते हैं, है ना, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिथिन रख के पूरे पे सेंटर से बाहर की ओर इसको कर दो। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से टियर करना है, कैंची से नहीं काटना है, कैंची से काटने पे ये गड़बड़ रहेगा। चारों साइड आपको इसी तरीके से निकालने हैं। अब आप हल्का सा आपको लगे तब आप अपना हाथ कर सकते हैं, और इसके बाद आप बाकी के काम इसमें कर सकते हैं। अब मैं इसमें अभी ये गीला है, जैसे ही सूख जाएगा तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं एक कोट मॉडपॉज का ऊपर से और करूंगी ताकि हमारा वाटर जो है सिक्योर हो जाए, ये जो पेपर है वो सिक्योर हो जाए एकदम। अब मैं मॉडपॉज की कोटिंग कर रही हूँ ऊपर से, ये देखिए मेरा मॉडपॉज की कोटिंग हो रही है। आपको अभी लग सकता है कि ये ओपेक लग रहा है बिल्कुल, अगर पेपर फट गया कोई बात नहीं, इसमें फट गया तो किनारे से, बीच से फट गया तो आप क्या करेंगे, फिर उसमें ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, फिर आप उस जगह पे बीच में कहीं डॉट्स डाल दीजिए या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट डाल दीजिए, कोई गोल्डन कलर की टचिंग डाल दीजिए, ताकि आपका वो लगे नहीं कि वो फट गया है। जब आप दोबारा से ऐसे मॉडपॉज अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा कि वो कहीं कहीं से आपको लग सकता है कि आपका पेपर ऊपर से फूल गया है, मतलब नीचे से एयर बबल अगर रह गया हो, लेकिन मेरा नहीं रहा है। देखिए ये सूखने के बाद एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से डेलिकेटली इसको काम करना, बिल्कुल डेलिकेट हाथों से, मान के चलिए कि ये टूटेगा, इसे बहुत ध्यान से। अब ये तो बहुत कठिन प्रोसेस हो गया, अब मैं आपको इस पे करके दिखाऊंगी पेपर से। अब जो लोग बिगनर्स हैं वो उनको कहूंगी कि टिश्यू पेपर के चक्कर में मत पड़िए, बहुत मुश्किल से टिश्यू पेपर मिलते हैं, नॉर्मल टिश्यू पेपर से, वो नॉर्मल जो प्रिंट आउट है उससे रामिया जी नहीं हो सकता,
क्योंकि उससे भी मैं आपको बता सकती हूँ कैसे होगा। अगर आपका नॉर्मल टिश्यू प्रिंट आउट होगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो इंक होती है एकदम परमानेंट नहीं होती, यानी एकदम ऐसी नहीं होती कि आप मतलब हम अगर पानी भी लगा के देखेंगे तो फैल जाता है। ठीक है, मेरे पास एक ये नॉर्मल रखा है पेपर, हाँ मैं नॉर्मल प्रिंट से भी आपको बता देती हूँ, ये मैंने उस दिन अपनी क्लास के लिए कराया था ना, तो ये नॉर्मल प्रिंट आउट है हमारा, है ना। तो इसको आप मैं आपको मैं करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर ही ग्लू की कोटिंग करूंगी ना तो वो क्या हो जाएगा, वो कलर फैल जाएंगे। देखिए मैं पहले तो अपने इस ब्रश को धो लेती हूँ। हाँ, अब मैं इसके बाद देखिए मैंने ब्रश धो लिया, अब मैं अपने ये नॉर्मल प्रिंट आउट को, अगर मैं मान लो इस प्रिंट आउट से डॉक्यू पेज करती हूँ, तो ये देखो मैं इसको अगर अपने मॉड पॉज में ले रही हूँ, मॉड पॉज ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी इसके ऊपर, तो देखिएगा ये देखिए ये नॉर्मल प्रिंट आउट है, अभी कहीं से फैला नहीं है। फिर क्या होगा ये देखिएगा, मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉड पॉज, तो मॉड पॉज अप्लाई करने के बाद ये देखो पहले ही ब्रश में आ गया। अभी मैं आपको जरा इसको करके दिखाती हूँ, और मैं इसके बाद आपको लेजर प्रिंट वाले करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए आपको ये अंतर समझ में आएगा। ये देखिए जो यहाँ पर ये आपको ये वाइट दिख रहा है, और ये आपको थोड़ा सा इसका जो ब्राउनिश येलोइश कलर है ये फैल गया है। तो आप खुद भी अपने घर के प्रिंटर से करके देखना, उससे नहीं होगा, आपको इसके लिए लेजर प्रिंट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप लेजर प्रिंट ना लेके आप जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है आप वो ले सकते हैं, आप मैगजीन का पेपर ले सकते हैं, इवन आप न्यूज़पेपर का कलर पेपर भी ले सकते हैं, वो नहीं फैलेगा। ठीक है, आप उन पे कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके ऊपर मॉड पॉज अप्लाई कर रही हूँ, मेरा पूरा का पूरा कलर यहाँ पर ब्राउन ब्राउन जैसा यहाँ पर गंदा गंदा आ रहा है ना। तो ये इसीलिए कह रही हूँ कि नॉर्मल प्रिंट आउट नहीं काम करेंगे, या तो आपको लेजर प्रिंट्स लेने पड़ेंगे, या फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, डेकोपेज के नैपकिन जो प्रॉपर इसी काम के लिए बनते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ये हैं वो लेजर प्रिंट आउट ही हैं, ये वाले जो हैं ये लेजर प्रिंट्स हैं, ये नॉर्मल प्रिंट नहीं है, ये लेजर प्रिंट है। ये भी डेकोपेज पेपर है, ये बहुत कॉमन है आजकल और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, है ना। ये एक पेपर से 6 कोस्टर बन जाते हैं, ये एक पेपर है, इस एक पेपर से ही 6 कोस्टर बन जाएंगे। तो जरूरत ही नहीं है कि मतलब बहुत महंगा नहीं पड़ता, बहुत आराम से आपको 50 रुपीज के पेपर में 6 कोस्टर बन जाएंगे। अब ये डिजाइन है, इसके ऊपर हम आराम से इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कैसे 6 बनेंगे। ये देखिए, ये मैं इसको कट कर लेने के बाद में सेंटर से फोल्ड कर सकती हूँ, या वैसे भी कर सकती हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो पेपर की एक तो थिकनेस देखो, अगर हमारा मोटा पेपर होगा तब हम उसे कैसे यूज करेंगे, पतला पेपर कैसे यूज होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, हर एक की टेक्निक डिफरेंट होती है। ये वाला जो पेपर है ये मोजैक डिजाइन की डिजाइन कहलाती है, ये बहुत क्रेज था इसका और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने किचन के उसके ऊपर लगा रखे हैं इस तरीके के पेपर, आप लोगों ने किचन में देखा भी होगा, टाइल के ऊपर, है ना। तो ये जो किनारा है ये पहले निकाल लेंगे, जो हमारी बीच की डिजाइन है हम वो बस लेंगे, सारे साइड्स कट कर लेंगे। ये मैंने चारों साइड्स उसकी कट कर ली। अब मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए, अब मैं इसको और क्योंकि 6 कोस्टर बनाने हैं मुझे, तो मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। इसके बाद मैं इसको भी कट कर दूंगी, आप अगर कट अभी नहीं करना चाहें तो इसको 3 फोल्ड में ऐसे डिवाइड कर लिए, यानी कि लगभग 4:4 का रेशियो के प्रोपोर्शन में आपका पेपर हो जाए, 3.5 भी चलेगा, 4:4 का 4x4 के आपका कोस्टर का साइज होता है, तो इस इतने कर लिए। तो देखा आपने, एक ही पेज से हमारे 6 कोस्टर डिजाइन हो गए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कोस्टर के लिए हमारे पास ये एक ही पेपर से निकल आया, तो हम एक पेपर से अपने 6 कोस्टर बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें से एक ही का काट लूं पहले, यहाँ पर मैं कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने देखा यहाँ मैं इसको कटिंग करने के लिए कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये पेपर है नैपकिन नहीं है, नैपकिन में हम कैंची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हम ब्रश को गीला करके उससे अपनी डिजाइन को कट करते हैं, या फिर हम उसमें चिपका कर, अगर पूरी ऑल ओवर डिजाइन है चिपका कर फिर सैंड पेपर से टियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा पेपर है तो यहाँ मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया। अब देखिए रैंडमली जो भी डिजाइन आई है सब अपने आप में अच्छी लग रही है, तो दो ये हो गए, ऐसे ही दो ये हो गए, टोटल 6 मेरे कोस्टर के लिए ये कट हो गए। ठीक है, एक ही पेपर से आपने देखा कितना इकोनॉमिकली है, ये एक ही पेपर से हमारे 6 कोस्टर के ये डिजाइन तैयार हो गए, तो मैंने इनको कर लिया। अब आई बात कि मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूं कि कैसा है। ये देखिए रख के देखा मैंने, साइड में जो कलर किया हुआ है कितना खूबसूरत लग रहा है इसके साथ,
ये देखिए मैं इसे सेंटर में ऐसे चिपकाऊंगी और लग रहा है खूबसूरत। अब मैं कोई भी इस बेस का करने के बाद मैं कोई भी पेपर का पीस उठा लूंगी, ये देखिए हर पेपर का पीस अपने आप में मस्त लगे कोई भी। अब मैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे क्या क्या है कि मैं इसके बैकग्राउंड में चाहे तो मैंने टील ब्लू कलर लिया है मैं वो ले सकती हूँ, मैं ब्लैक कलर ले सकती हूँ, मैं रेड कलर ले सकती हूँ इस या येलो कलर ले सकती हूँ, या अपने सारे पोस्टर अलग अलग कलर के भी ले सकती हूँ ना। थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच। ठीक है तो हर कलर के संग, इवन आप इसे डार्क कलर के संग करेंगे ब्लैक के संग तो भी अच्छा लगेगा। मैं आपको हल्का सा इसके ऊपर रख के दिखा दे रही हूँ, देखिए ये देखिए अगर आप ब्लैक के संग करेंगे, इवन गोल्डन के संग करेंगे, येलो के संग करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इस कलर के संग बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट लुक लग रहा है। लेकिन अब हमारी बात आई कि ये तो हमारा पेपर है, ये थोड़ा मोटा है, तो हम इसे कैसे स्मूथ करें या कैसे उस पर पेस्ट करें कि इसके जो एजेस हैं वो ऐसे शार्प ना दिखे। तो उसके लिए तरीका है कि आप चाहे तो इसे टियर कर सकते हैं, चाहे तो अपना ये जो सैंड पेपर है हमारा उस सैंड पेपर से ये देखें इस तरीके से किनारे के थोड़ा सा घिस लीजिए, सिर्फ कॉर्नर जो हमारा ये कॉर्नर है ये कॉर्नर को हम इस तरह, ये सारी टेक्निक मैंने अपनी डेको पेज की क्लास में सिखाई थी, आप लोगों को फ्री में सीखने को मिल रही है। ठीक है तो हम इसे सैंड पेपर से थोड़ा सा घिसकर स्मूथ कर लेंगे ताकि हमारा पेपर जब हम पेस्ट करें तो एकदम मोटा मोटा ना दिखे, क्योंकि ये पेपर 100 GSM के या 75 GSM के मिलते हैं मार्केट में। ये देखिए तो ये मैंने स्मूथ कर लिए, चारों साइड स्मूथ करेंगे, सेंटर से आपको सैंड पेपर से घिसने की जरूरत नहीं है। ये देखिए तो ये मैंने किनारे घिस दिए, आपको क्लियरली दिख नहीं रहे होंगे इसमें, लेकिन मैं छू कर फील कर सकती हूँ। और पानी में डिप करना है और अपने इस पेपर के ऊपर अप्लाई कर देना है, तो भी क्या होगा हमारा ये पेपर सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको जब इसमें पेस्ट करेंगे तो वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा। आज डेको पेज की क्लास में आप लोगों को मजा आ रहा होगा है ना, क्योंकि बहुत इजी, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक क्लास है ये और इसमें सबको मजा आता है, सारे बच्चों को, बड़ों को, सब लोगों को, क्योंकि कुछ कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन नहीं करना है, सिंपल आपको उसको पेस्ट कर देना है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अपना ये मॉड पॉज ले रही हूँ, ये देखिए ये मॉड पॉज ले रही हूँ और इसको इसके ऊपर निकल आओ भाई निकल आओ ये। ठीक है मैंने मॉड पॉज लिया और तो ये आप ब्रश से भी कर सकते हैं, मैंने अपनी फिंगर से कर दिया दोबारा। ये देखिए तो मैंने इसको यहाँ पर मॉड पॉज लगा दिया, मैंने जो ग्लू का ऊपर का ये जो क्या बोलते हैं मलाई से पार्ट हो गया था वो भी लगा दिया, इससे आपको इसमें दानेदार दिख रहा होगा लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है। हम पेपर चिपका रहे हैं, अगर हम नैपकिन चिपकाते तब हमें ध्यान रखना पड़ता। अभी मेरा पेपर बहुत हल्का सा हो गया, आप इस पेपर को देखोगे इसमें साउंड है, इसमें बिल्कुल साउंड नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको किनारे एजेस को सैंड पेपर से घिस दिया, बीच में पानी लगा दिया तो ये लव यू। अब इसको भी मैं देखिए हल्के से ऐसे रख रही हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं करी, अब मैं क्या करूंगी इसको भी अपनी पॉलिथिन की सहायता से ही मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा, आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, मैंने कैमरे का एंगल भी ऐसे कर रखा, ये देखिए। और इसके बाद सेंटर से किनारे की ओर सारे बबल्स निकाल दिए, एयर बबल्स निकालने होते हैं, और इसको इससे पेपर से काम करना बहुत ईजी होता है नैपकिन के मुकाबले में। नैपकिन का काम स्टेप बाय स्टेप रुक रुक के करना होता है, लेकिन पेपर का काम हम फटाफट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हटाया और अब मैं देखिए आपको दिखाऊंगी, एक भी रिंकल नहीं है, एक भी रिंकल नहीं दिखेगा। मैं इनको अपनी फिंगर से ही ऐसे एकदम स्मूथ कर दे रही हूँ और पूरा छूके देखे तो ये देखिए। अब मुझे इसमें क्या करना है, फिर से मॉड पॉज की कोटिंग करनी है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसमें फिर से मुझे मॉड पॉज की कोटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से अपना मॉड पॉज लूंगी, ये देखिए मैंने मॉड पॉज ले लिया और अब मैं इसके ऊपर करूंगी। ये देखिए आपको करने के बाद ऐसे लगेगा कि ये व्हाइट व्हाइट हो गया, लेकिन ये सब सूख के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा सूख के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इस पेपर पे हम जब इसको करेंगे
तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें जैसे मैंने आपको नॉर्मल पेपर के नॉर्मल प्रिंटआउट से करके दिखाया था, तो उसमें इंक जो होती थी हमारी फैल रही थी, इसमें नहीं फैलेगी इंक। मैंने दिखाया था ना, यहीं पे था मेरा पेपर, मेरा ये देखिए ये सूख गया, तो आप देख सकते हैं इसमें इंक इधर कितनी फैली हुई है, ये सारा पेपर का कलर खराब हो गया। करूँगी सूख के दिखाऊंगी आपको, ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आपके आपको देखते देखते ही सूख जाए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। गीले कपड़े से पोंछ सकते हो। अभी इसके बाद वार्निश करूंगी, देन उसके बाद, है ना। अभी तो हमने सिंपल मॉड पॉज की कोटिंग की है, अगर हम मॉड पॉज की कोटिंग करके ही छोड़ देंगे तो फिर हम उसे सिर्फ हल्के से कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन अगर हम वार्निश भी कर देंगे तो हम पानी से भी धो सकते हैं। वाटर बेस्ड वार्निश है जिसको मैं डेकोपेज में यूज करती हूँ, ये देखिए ये वाटर बेस्ड, वरना आपको जितनी भी वार्निश मिलेंगी वो ज्यादातर आपको कैसे मिलेंगी, ऑयल बेस्ड वार्निश। ऑयल बेस्ड वार्निश हम लोग लकड़ी के टिन मिन पे इस सब पे कर सकते हैं, लेकिन वाटर बेस्ड वार्निश हम डेकोपेज के आर्टिकल करते हैं तो उस पे करेंगे। पहले नहीं मेरे पास थी ये सब, तो मैं तब भी टचवुड वार्निश कर देती थी, तब भी उससे इफेक्ट आ जाता था। देखिए ऐसा नहीं है, तब भी वो हमारी वाटर प्रूफ हो जाती थी। अब ये देख रहे हैं आपके देखते देखते सूख के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, कितना है ना, कितना शाइन करने लगा आपके सामने, बातों बातों में ही सूख गए। आप लोगों को इससे बातें करते करते लगाने के बाद पूरा सूख गया, और देखिए कैसे शाइन करा। अभी तो मैंने सिंपल मॉड पॉज की कोटिंग की है, कितना परफेक्ट शाइन किया। और जो है ये वाले मॉड पॉज की सिर्फ एक ही कोटिंग की है ना। और अब आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा जब मैं इसको करूंगी ज्यादा जोर से हाथ लाओ, ये देखिए मेरी फिंगर यहीं की चिपक रही है। तो बस मुझे मॉड पॉज की कोटिंग के बाद ये इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वार्निश जरूर करती हूँ। अब वार्निश करने के लिए मैं इसमें यहाँ पर ये वाटर बेस्ड वार्निश कर रही हूँ। वाटर बेस्ड वार्निश करने के लिए ये देखिए, ये मेरी वाटर बेस्ड वार्निश है, ये आपको अभी दूधिया कलर की दिख रही होगी, है ना, लेकिन ये भी सूख के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी जैसे हाथ यो करके कस के दबाने पे ये थोड़ा सा मेरा फिंगर चिपक रही है, कल भी करूंगी तो अगर मौसम से ये तब तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बारिश के मौसम में हम यही काम करते हैं या फिर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाले मौसम में ये काम करते हैं तो ये जो है ये थोड़ा सा स्टिकी, आपको साउंड भी शायद सुनाई दे रही होगी, स्टिकी स्टिकी होती है ना। तो इसलिए आपको ये वाटर बेस्ड वार्निश, ये देखिए वाटर बेस्ड वार्निश है, इसको अप्लाई करना है। और आपको रेजिन मैंने इसमें ये कोटिंग कर दी। अब ये कोटिंग जब मेरी सूख जाएगी वाटर बेस्ड वार्निश की, तब आप मान के चलो कि मैं इसे पानी से आराम से नल के नीचे धो सकती हूँ। मैंने अपनी डेकोपेज की क्लास में अपने स्टूडेंट को सबको नल के नीचे भी अपने आर्टिकल्स को आराम से पूरा धोकर दिखाया है, कि हम चॉक पेंट भी धोकर दिखाएं कि अब वो देखने करने के बाद नहीं छूटते, तो है ना, बिना वार्निश किए भी। तो वो सारी चीजें मैंने अपने क्लासेस में सिखाई हुई है आप लोग। इस तरीके से पानी लगकर आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रिंट आउट में क्या हाल होता है, इस तरीके से पीछे भी खराब हो जाता है पेपर, ये देखिए यहाँ से भी खराब हो जाएगा। तो आप नॉर्मल नहीं प्रिंट आउट यूज करेंगे, आपको लेजर प्रिंट्स लेने होंगे, ठीक है। थैंक यू। बैक साइड के लिए आप दोनों साइड कोस्टर में डिजाइन डाल सकते हो, आप एक साइड ये डिजाइन ये वाले पैटर्न का डाल लो, एक साइड दूसरे पैटर्न का डाल लो, देखो है ना, कोई भी और अलग दूसरे टाइप का डाल लो, तो आपके एक ही कोस्टर में दो सेट तैयार हो जाएंगे। अब ये जब ये सूख जाएगा एक साइड का, तभी आपको दूसरी साइड करना। अब आप देखिए सूखने के, अभी सूखा नहीं है लेकिन कितना शाइन कर रहा है, जब ये सूख जाएगा तब बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम आप पानी से धो सकते हो। मैंने इसमें आपको कलर ऑप्शंस बता दिए, जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड में मैंने जो कलर किया है टील ब्लू आप भी वही करो। आप अपने पेपर से रिलेटेड कोई भी कलर जो आपको आपके घर के इंटीरियर में हो रहा हो वो कर सकते हो, है ना। ये कोस्टर आपके सामने बना के दिखाया, चॉक पेंट बना के दिखाया, आपको जैसो कैसे बनाना है वो बना के दिखाया, ठीक है। आई होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेकोपेज से रिलेटेड आप लोगों को मिल गई होगी और आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। मॉन कलर क्रिएटिविटी सेंटर को इसी तरह लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, कमेंट करते रहिए प्यारे प्यारे। आपके कमेंट में रिप्लाई चाहे भले ही ना दे पाऊँ रिटर्न में, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ, आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुँचता है इन्हीं के माध्यम से। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।